नमस्कार सभी को। नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित गौड़ आज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग द्वितीय सेमुसी के द्वितीय पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। गत कक्षा में हमने प्रथम पाठ का अध्ययन कर लिया था सूची पर्यावरण, और आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। यह पाठ हमारे लिए बहुत ही आनंदित, रुचिकर और समझ विकसित करने वाला होगा, तो आप ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश के रूप में प्रस्तावना देख लेते हैं कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ में क्या वर्णित है। आइए देखिए, द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। क्या है पाठ का नाम? है बुद्धिर बलवती सदा। इसका अर्थ हुआ सदा बुद्धि बलवती होती है। बुद्धि क्या होती है? सदा बलवान होती है। बुद्धि सदा बलवान होती है। और हम इस पाठ में समझेंगे कि बुद्धि किस प्रकार बलवान होती है इस कहानी के माध्यम से। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तुतो अयम पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति, सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादन कृत्वा करके संग्रहित है। जो सुख सप्तति कथा ग्रंथ है उसको संपादित करके उसे क्या किया गया है? इस पाठ को संग्रहित किया गया है, लिया गया है सेमोसी हमारी पुस्तक में। अत्र पाठान से स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहम प्रति गच्छत्यः बुद्धिमती नाम्ना महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अब देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि इस पाठ में किस चीज की कहानी है, तो वह समझिए कि यह पाठ के अंश में, इस पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व अपने लघु पुत्राभ्याम, लघु छोटे पुत्रों के साथ, सह साथ कानन मार्गेन जंगल के मार्ग से पितृगृहम प्रति गच्छन्त्या पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती इति, बुद्धिमती इति इस नाम नहा नाम की महिला मति कौशलम अपने बुद्धि के कौशल को प्रदर्शितम प्रदर्शित करती है। क्या बताया गया है कि इस पाठ के अंश में बुद्धिमती नाम की, बुद्धिमती नाम की महिला अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से कहां जा रही है? पिता के घर को प्रस्थान कर रही है। या पूर्तः समागतम सिंह अपि भेते उपाध्य ततः निवार्यति। या जो पूर्तः सामने समागतम आए हुए सिंह अपि, सिंह भी भेते उत्पाद्य ततः निवार्यति, कि जब सामने आए हुए सिंह को भी डर उत्पन्न करके निवारण कर देती है। इयम कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सदृत है विकासार्थं प्रेरयति। इयम कथा, यह कथा नीति निपुणता सुखसारिकयोः कथा माध्यम के द्वारा सधृत है, धैर्य के साथ विकास के लिए प्रेरित करती है। जो ये कथा है हमें धैर्य उत्पन्न करती है, धैर्य के साथ बुद्धि का प्रयोग करना सिखाती है। अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे विस्तार से, इसका अर्थ समझते हुए चलेंगे, तो शब्दों पर ध्यान देना कि इस शब्द का क्या अर्थ है और कहानी में क्या बताया गया है। आपको आनंद आएगा मैं आशा करता हूं। अवश्य
अस्ति देवर आख्यो ग्राम है। अस्ति है देवर नाम का, आख्य नाम का ग्राम है गांव, देवल नाम का एक क्या है गांव है, देवल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह है, नाम राजपुत्र है, वसति स्म। तत्र वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र वसति निवास करता है। वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पित्रे गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि कोई भी आवश्यक कार्य के कारण तस्य उसके भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो एता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृ गृहम पिता के घर के प्रति चल देती है। जो राजकुमार रहता था राज सिंह नाम का, कौन से गांव में रहता था, देवल नाम के गांव में, और एक बार उसकी पत्नी किसी आवश्यक कार्य से पिता के घर पर जाती है अपने दोनों पुत्रों को लेकर। आगे देखिए, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में गहन कानने, गहन कानने वन में सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को देखती है, एक बाघ को देखती है। कौन देखती है? बुद्धिमती, जो राजपुत्र की भार्या थी राज सिंह की। सा व्याघ्र माग क्षंतम दृष्ट्वा धाष्ट्र्या पुत्रौ चपेटया प्रहते जगाद। सा भार्या राजपुत्र की व्याघ्रम आगच्छन्तम, जो व्याघ्र उसके तरफ आ रहा था उसे देखकर धष्ट्रयात होता है दुष्ट भाव से, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया, क्या करती है, थप्पड़ मारती है, प्रहरते मारती है, और जगाद कहा। अब उसने देखो, जो बुद्धिमती थी उसने बुद्धिमता का परिचय कैसे दिया, जब मार्ग में एक बाघ को देखा तो बाघ उनको खाने के लिए आ रहा था, अब वो सोची कि इस बाघ से कैसे बचा जाए, तो उसने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि अपने दोनों पुत्र को थप्पड़ मारा और कहा, क्या कहा देखिए, कथम एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत है, कथम क्यों एक सो एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलह कुरुत है, झगड़ा कर रहे हो, क्यों तुम दोनों बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावद् द्विभज्ये भुज्यताम्, अयम एकस्तावद् द्विभज्ये भुज्यताम्, अयम एक अभी यह एक ही है, तावत कुछ समय बाद द्विभज्ये भुज्यताम्, अभी एक ही है तो तुम दोनों क्या करो, इसके द्विभज्ये दो टुकड़े करके इसको खा लो। देखो बुद्धिमती कैसे अपनी बुद्धि का परिचय देती है, अपने दोनों पुत्र को थप्पड़ मारती है और कहती है बाघ को सुनाने के लिए कि तुम दोनों बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, अभी एक ही है तो इसके दो टुकड़े करके दोनों खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्य द्वितीय कोई दूसरा बाघ भी क्या करा जाएगा लक्ष्य। देखिए आप कि
बुद्धिमति अपने बुद्धिमता का परिचय कैसे दे रही है। अब इस प्रकार की बुद्धिमति की बातों को सुनकर व्याघ्र क्या सोचता है, आगे देखिए। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्र मारी काचित् इयम् इति कि यह तो कोई व्याघ्र मारी है, यह जानकर व्याघ्रो जो बाघ था भय से आकुल होकर नष्ट है, क्या करता है भाग जाता है। वह सोचता है यह तो कोई व्याघ्र मारी है जो बाघों को मारने वाली है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। आगे देखिए। अब वहां से बाघ भाग गया। श्लोक देखिए। निज बुद्धा विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धेम आलोक्य मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धा, निज अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मुक्त हुई सा वह भय से व्याघ्र से व्याघ्र को भामिनी रूपवती जो वह सुंदर स्त्री थी बुद्धिमती वह भय से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके व्याघ्र को क्या करती है भगा देती है। अन्योपि अन्य भी बुद्धिम आलोके इस लोक में इस संसार में बुद्धि का प्रयोग करके मुच्यते छूट सकते हैं महतो भयात भय से भी क्या कर सकते हैं छूट सकते हैं मुक्ति पा सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। अब देखिए आगे कहानी में मजा आने वाला है। भयाकुलम भय से आकुल भय से व्याप्त व्याघ्रम बाघ दृष्ट्वा भय से आकुल बाघ को देखकर कश्चित कोई धूर्त दुष्ट श्रृगाल सियार हसन आह हंसता हुआ बोला। अब वो जो बाघ भाग रहा था ना डर से तो उसको देखकर एक श्रृगाल सियार बोलता है हंसते हुए भवान कुतः भयात पलायित है। भवान आप कहां से भय से भाग रहे हो, आप किस भय से भाग रहे हो। व्याघ्र है, अब जो व्याघ्र था बाघ वह क्या कहता है गच्छ गच्छ जंबुक जाओ जाओ जंबुक सियार कि सियार जाओ जाओ तुम अपि तुम भी किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी क्या करो कोई गूढ़ प्रदेश गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यह तो व्याघ्र मारी या शास्त्रे सूर्यते तया अहम हंतुम आरब्ध परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। यह तो यहाँ व्याघ्र मारी व्याघ्र मारने वाली या जो शास्त्रे सूर्यते शास्त्रों में सुना जाता था तया अहम उसे मैं हंतुम आरब्ध मेरे तरफ मार ते हुए देखा मुझे मारने आ रही थी परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट है। पर ग्रहित कर कर हाथ हाथ में अपने प्राण को ग्रहण करके हाथ में अपने प्राणों को लिए नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है और वहां से मैं भाग कर आ रहा हूं शीघ्र वहां से भाग कर आ रहा हूं। क्या कह रहा है बाघ कि मैं उसके डर से जिसे हम शास्त्रों में सुनते थे कि व्याघ्र को मारने वाली होती है और आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा व्याघ्र मारी को तो वहां से अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए मैं
भागता हुआ आ रहा हूं। आगे देखिए, श्रृगाल है, उसकी बात सुनकर श्रृगाल है सियार क्या कहता है, व्याघ्र बाघ त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यत् मानुषादपि भिवेसि। व्याघ्र हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम् आवेदितम्, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि यत् मानुषादपि भिवेसि, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ को क्या कह रहा है सियार कि मुझे तो आज आश्चर्यचकित हो रहा है कि तुम भी क्या कर रहे हो, एक मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्र जब बाघ क्या बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात पुत्र एकैक सो माम तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जब बाघ क्या बोलता है, प्रत्यक्ष में हो मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष में मया मेरे द्वारा प्रत्यक्ष में ही सात जो उसके सात पुत्र थे, जो सात पुत्र थे दोनों, उसको पुत्रा एक एक, एक सो उसके पुत्र एक एक करके मुझे खाने के लिए, अत्तुम खाने के लिए कलाए मानो झगड़ा कर रहे थे। चपेट या प्रहरंती, जब उसके द्वारा थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा था। कौन बोल रहा है, बाघ। बाघ की बात को सुनकर सियार क्या बोलता है, देखिए कि स्वामिन स्वामी यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र जहां आस्ते है बैठी हुई वह धूर्ता धूर्त स्त्री वहां गम्यताम, वहां चलना चाहिए। वह सियार बाघ को कह रहा है कि जहां पे वह धूर्ता है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। व्याघ्र बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा समुखम अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम् हन्तव्यः इति। तव तुम्हारे पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहां पुनः जाने से सा वह समुखम अपेक्षते, यदि वह हमारी तरफ देखती भी है तरहि त्वया तब तुम्हारे द्वारा अहम हन्तव्यः इति, तब मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। यह क्या कौन कहता है, सियार कहता है बाघ को। व्याघ्र श्रृगाल, हे श्रृगाल हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। जब बाघ क्या बोलता है, हे सियार यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़कर वहां यासि वहां से तब भाग जाते हो, वेला पे वेला तो क्या होगी, गड़बड़ होगी। यदि तुम मुझे क्या करोगे, वहां छोड़कर भाग जाओगे तो यह तो ठीक नहीं होगा। फिर जम्बू का सियार भरोसा दिलाने के लिए क्या कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। सियार बोलता है यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो मुझे निज गले निज अपने गले में बधुआ बांध कर साथ चलो। सव्याग्रह वह बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम ययो जंगल की तरफ चल देते हैं। कौन कौन, श्रृगाल और व्याघ्र। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमति। अब देखिए श्रृगाल के द्वारा, श्रृगाल के साथ पुनः आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूर से ही दृष्ट्वा देखती हुई बुद्धिमती क्या सोचती है, बुद्धिमती चिंतितवती, जो बुद्धिमती थी दूर से ही बाघ को और सियार को साथ आते हुए देखती है और सोचती है कि जम्बुकम कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक सियार के द्वारा उत्साह से
व्याघ्र आ रहा है, बाघ आ रहा है, इसे कैसे मुक्ति पाए जाए। परम प्रत्युत्पन्नम अत्नति सा जम्बुकम् आपसी बनते अंगुल्या तर्जयन उवाच। फिर क्या करती है, प्रत्युत्पन्नम, जो प्रत्युत्पन्न तुरंत उत्पन्न हुई मति ही बुद्धि से वह जम्बुकम सियार की तरफ आक्षिप्य, जो हाथ अंगुली अंगुली से आक्षेप करते हुए कहती है उवाच है, बोलती है, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतरियम पुरा। रे अरे अरे धूर्त, अरे दुष्ट, त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम मह्यम मुझे व्याघ्रतरियम पुरा। तूने मुझे पहले व्याघ्र बाघ तीन बाघ दिए थे। विश्वास विश्वास स्यात् एकम आनीये, तूने मुझे विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लेकर आयो। कथम यासि वदा अधुना, कैसे तुम यासि यहां से अब जाओगे। देखो कितनी बुद्धिमती अपनी बुद्धि का परिचय देती है। जो सियार के साथ बाघ आया हुआ था, तो सियार की तरफ आक्षेप करते हुए अंगुली से इशारा करती है कि हे सियार, तूने पिछली बार मुझे तीन बाघ दिए थे और तीन बाघ और देने के लिए कहा था, पर तुम आज एक ही बाघ लेकर आए हो, तो अब बताओ तुम यहां से कैसे बचकर जाओगे। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था। आगे देखिए, इत्युक्त्वा धावितः तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धश्रृगालकः। इत्युक्त्वा इतना कहकर धावितः तूर्णं, तूर्णं शीघ्र दौड़ती है कौन, बुद्धिमती, व्याघ्रमारी भयंकरा, और उसे भयंकर व्याघ्रमारी समझते हुए व्याघ्रोऽपि बाघ भी सहसा नष्ट है। सहसा ही नष्ट है, वहां से क्या हो जाता है, भाग जाता है। गलबद्ध श्रृगाल है, और गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी क्या करता है, भाग लेता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जान भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र के डर से, व्याघ्र के खाने के भय, अपने भय से पुनः क्या करती है, उसे मुक्ति पा लेती है। अतएव उच्यते, अतः कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वे सर्व कार्यसु सर्वदा। बुद्धि क्या होती है, सभी कार्यों में बलवती होती है, बलवान होती है। बुद्धिमती अपनी बुद्धि के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को और स्वयं को बाघ से बचा लेती है। इस प्रकार यदि हम भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, इस संसार में सभी कार्य को ठीक प्रकार से कर लेते हैं। आज यह हमारा पाठ समाप्त हुआ, धन्यवाद। अगले क्लास में हम अगले पाठ, तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद सभी को, आशा करता हूँ यह पाठ सभी को समझ में आया होगा।